तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th में स्पेशल इंग्लिश इंग्लिश मीडियम में एक पोयम है, लेक आइसल ऑफ इनिसफ्री, जो कि W.B.Yeats द्वारा लिखी गई है। इस पोयम को आज हम समझेंगे कि ये पोयम क्या है या उसमें किसके बारे में कहा गया है, और थोड़ा बहुत W.B.Yeats के बारे में भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ये जो W.B.Yeats हैं, इनका जो लाइफ स्पान है, जो जीवन काल है, वो 1865 से लेके 1939 तक, 1865 से 1939 तक हैं। और जो इनका जन्म है वो डबलिन में हुआ था, जो कि आयरलैंड में है, आयरलैंड के डबलिन में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो जो है हैमर स्मिथ और डबलिन में हुई थी, वहाँ पर इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी, उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी थी। और 21 ईयर से ही, काफ़ी छोटी उम्र से ही ये जो है लिटरेचर की तरफ आकर्षित हुए, और उन्होंने कुछ अपने प्लेज लिखे और कुछ पोएम्स भी लिखी अपनी 21 जैसी कम उम्र से ही। और इनका जो है कुछ प्रभाव भी इन पर पड़ा था, इंडियन जो पोएट हैं रविन्द्रनाथ टैगोर का, और उन्होंने उनका जो इंट्रोडक्शन है गीतांजलि का वो भी उन्होंने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। और हम आगे देखेंगे, ये तो थी पोएट्स के बारे में थोड़ी जानकारी, लेकिन अब हम थोड़ा पोयम के बारे में भी समझेंगे। उन्होंने ये जो पोयम है लेक आइसल ऑफ इनिसफ्री, ये जो है सबसे पहले 1888 में राइट करी, लिखा हुआ तो 1888 में है, लेकिन वो जो पब्लिश्ड है वो 1890 में हो पाई। और उसके बाद इसका एक और बार रिप्रिंट हुआ था, जो 1892 में हुआ था। तो हमें ये याद रखना है कि जो ये पोयम है वो 1888 में लिखी गई थी, और उसके बाद इसका जो जो पब्लिश हुआ था ये जो पोयम, वो 1890 में हुई थी पहली बार। तो ये जो पोयम है लेक आइसल ऑफ इनिसफ्री, ये जो पोएट ने जो लिखा है, इस पोयम को लिखा है कि जो पोएट है वो जो काफ़ी प्रकृति से अपने आप को दूर महसूस कर रहा है, और जो शहर का जो जीवन है, शोरगुल भरा हुआ और व्यस्त जो जीवन है, उस जीवन से वो तंग आ चुका है, और वो ऐसी जगह पर जाना चाहता है जो इनिसफ्री एक जगह है। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। इनिसफ्री एक जगह है जो एक आइसल है, यानी कि एक टापू है, जो एक टापू है, और ये टापू जो है वो एक झील के पानी से घिरा हुआ है, और उस पानी से घिरा हुआ है, और उस टापू का नाम ही इनिसफ्री है। तो जो इनिसफ्री है उसके बारे में आप समझ गए होंगे, ये एक टापू का नाम है जो कि एक झील से चारों तरफ से घिरा हुआ है। और ये जो टापू है इनिसफ्री नाम का, ये जो है लॉग गिल नाम की जो जगह है आयरलैंड में, और वहाँ का जो स्लिगो काउंटी, स्लिगो नाम की जो काउंटी है वहाँ पर ये जो इनिसफ्री टापू वहाँ पर है। और वहाँ पर जो पोएट है वो अपने टीन एज में जाया करता था, और वहाँ का जो उसको वातावरण है वो बहुत ही काफ़ी आकर्षित लगा और काफ़ी शांति भरा लगा। तो जो कवि है वो तब की याद कर रहा है अपने टीनेज की, कि जब वो वहाँ पर जाया करता था और वहाँ का जो वातावरण है वो कितना शांत होता था, और वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो उसे अपने आप को अट्रैक्ट करती थी। और जो कवि है वो ये कहना भी चाह रहा है कि वो जो है इस भीड़ भरे जीवन को छोड़कर वहाँ पर जाके रहना चाहता, वहाँ एक केबिन बनाएगा अपना एक छोटा सा, और वहाँ पर वो प्रकृति की गोद में, प्रकृति के स्पर्श के साथ में रहना चाहता है। तो हम देखते हैं थोड़ा ये जो पोयम है
ये 12 लाइन्स की है पूरी पोयम, और इस पोयम को जो है 3 स्टेंजाज में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये 4 लाइन की जो क्वाट्रेंस जिसे हम कह सकते हैं, तो ये इस तरीके से 4 लाइन का जो क्वाट्रेंस होता है इस स्टेंजा तो इसे 3 क्वाट्रेंस में डिवाइड किया गया है। और इसके बाद हम इसकी राइमिंग स्कीम की बात करेंगे, तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी सी डी सी डी और ई ई ई एफ है। यानी कि देखेंगे यहाँ पर राइमिंग स्कीम इनिस फ्री, आखिरी में फ्री है तो ये इसे हम ए कहेंगे, यहाँ पर है मेड तो इसे हम कहेंगे बी। तो यहाँ पर देखना फ्री और यहाँ पर बी, मतलब ये ए है तो ये भी राइमिंग स्कीम में ए ही कहलाएगा, यहाँ पर मेड है तो यहाँ पर ग्लेड है, तो यहाँ पर मेड ग्लेड एक जैसी ध्वनियाँ निकल रहा है इसीलिए इसकी राइमिंग स्कीम जो होगी वो बी बी होगी। फिर यहाँ पर देखेंगे हम स्लो, इसको हमने सी कहा है, और इससे अलग है सिंग्स, ये डी है, तो स्लो से मिलता जुलता जो है वो ग्लो है इसलिए ये भी सी कहलाएगा, और सिंग से मिलता जुलता जो है विंग्स है इसलिए ये डी राइमिंग स्कीम कहलाएगा। आगे देखेंगे हम, इसमें जो है डे है इसलिए ई नाम दिया इसको हमने, और ये है सोर इसे हमने एफ कहा, और डे से मिलता जुलता है ग्रे इसलिए इसको भी हमने ई नाम दिया, और सोर से मिलता जुलता है कोर इसलिए हमने एफ नाम दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको राइमिंग स्कीम अच्छी तरीके से समझ में भी आई होगी, और इस जो पोयम, ये जो पोयम है इसका जो मीटर है वो आयम्बिक मीटर है, आयम्बिक मीटर में लिखी गई है, हेक्सामीटर में। तो देखते हैं जरा हम पोयम के बारे में जानते हैं अब कुछ, इसमें बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच भी हैं जो हम देखते चलेंगे साथ में। आई विल अराइज एंड गो नाउ, कवि जो है वो कह रहा है कि आई विल अराइज कि किसी दिन मैं जागूंगा एंड गो नाउ, और फिर कहाँ जाऊंगा उसी समय मैं जाऊंगा एंड गो टू इनिसफ्री, और किस जगह पर जाऊंगा, इनिसफ्री जाऊंगा, जो मैंने आपको बताया इनिसफ्री के बारे में। इनिसफ्री एक जगह का नाम है, एक द्वीप का नाम है, एक टापू का नाम है जो झील से चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ। तो कवि कह रहा है कि एक दिन मैं उठूंगा और उठकर वहां पर, उठने के बाद अपनी मन पसंदीदा जो जगह है इनिसफ्री उस टापू पर मैं जाऊंगा, एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, और एक छोटा सा जो है केबिन, एक छोटा सा जो कमरा है केबिन है बिल्ड देयर, वहां पर मैं एक छोटा सा कमरा बनाऊंगा ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, और वो जो कमरा है वो किससे बनेगा, मिट्टी से बना हुआ होगा, एंड वेटल्स, वेटल्स है ना जो बांस की लकड़ियां या बांस की जो स्टिक्स होती है, जो बांस होता है जिससे कई जगह पर बांस से भी घर बनाए जाते हैं, तो वो जो केबिन बनाएगा, जो पोएट अपना छोटा सा कमरा बनाएगा वो मिट्टी और बांस की लकड़ियों से मिलकर बना हुआ होगा। अब आगे देखते हैं वो क्या कह रहा है, 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, और उस केबिन के सामने या उस केबिन के आसपास वो जो है 9 बीन रोज, 9 बीन रोज, बीन यानी फलियां होती हैं और उनकी जो पंक्तियां हैं रोज है, तो वो 9 पंक्तियां होंगी उसके केबिन के आसपास या सामने, विल आई हैव देयर, वहां पर होंगी, आई हैव देयर यानी मैं वहां पर रखूंगा या वहां पर मेरे केबिन के पास में कहीं पर जो 9 पंक्तियां या 9 क्यारियों का जो गार्डन है, एक तरीके से अपन कह सकते हैं इस तरीके की जो क्यारियां रहेंगी उसकी, तो इस प्रकार से वो 9 प्रकार 9 पंक्तियां जो रहेंगी वो किसकी रहेंगी, बीन्स रोज रहेंगी, यानी कि फलियों की जो पंक्तियां रहेंगी, और इस प्रकार से एक छोटा सा गार्डन भी बन जाएगा उसका, वो कल्पना कर रहा है। तो वो अपने केबिन के पास में 9 बीन रोज चाहता है और वो वहां पर होंगी। आगे देखेंगे, ए हाइव फॉर द हनी बी, और वहां पर एक छत्ता भी होगा, हाइव है ना छत्ता होता है, फॉर द हनी बी, और वो छत्ता किसके लिए होगा,
हनी भी मधुमक्खियों का होगा, वो छत्ता मधुमक्खियों के लिए या मधुमक्खियों का होगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और मैं वहां पर क्या करूंगा, एंड लिव अलोन, मैं वहां पर जाकर अकेला रहूंगा इन द बी लाउड ग्लेड। और वो जगह कैसी होगी, वो जगह होगी एक ग्लेड होता है जंगल के बीच में कहीं खुला हुआ भाग, या जंगल से जंगल के बीच में जब कोई खुला हुआ भाग होता है तो उसे ग्लेड कहा जाता है। तो वो जगह जो होगी वो खुली जगह होगी और उस पर जो मधुमक्खियां हैं उनके भिन भिनाने की जो आवाज आ रही होगी, मैं ऐसी जगह पर वहां पर जाकर रहूंगा। तो यहां पर देखेंगे साथ साथ में पोएट जो है फिगर ऑफ स्पीच का, इमेजरी का यूज किया गया है यहाँ पर, कल्पना कर रहा है कि वो वहां पर ऐसी जगह पर जहां पर जाके रहेगा जहां पर मधुमक्खियों की जो आवाज है वो उसे सुनाई दे और उसे प्रकृति की निकटता का एहसास हो साथ में। तो यहाँ पर इमेजरी का यूज किया है W.B.Yeats ने। आगे की लाइन देखेंगे, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और वहां पर जाकर मुझे क्या मिलेगा, कुछ शांति मिलेगी, पीस है शांति मिलेगी देयर ने वहां पर, और पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, और वो जो शांति है वो कैसे आ रही होगी, पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, वो ड्रॉपिंग स्लो है ना, धीमे धीमे आ रही होगी, धीमे धीमे, ड्रॉपिंग है ना होता टपकना किसी चीज का या धीमे धीमे आना, तो वो जो शांति है वो धीमे धीमे आ रही होगी। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और वो कहां से आ रही होगी धीमे धीमे शांति, फ्रॉम द वेल्स, वेल्स ने घूंघट से, किस घूंघट से आ रही होगी, ऑफ द मॉर्निंग, सुबह के घूंघट से आ रही। देखो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी किया गया है, मॉर्निंग को एक औरत की तरह कहा है यहाँ पर कवि ने, और कहा है कि वो घूंघट जो उसका घूंघट है उस घूंघट से जो है शांति मिल रही होगी कवि को या वहां से आ रही होगी। और वो सुबह में जो शांति मिल रही होगी वो कहाँ से आ रही होगी, टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, जहां पर जो क्रिकेट्स हैं झिंगुर हैं वो गा रहे होंगे, मतलब जो आवाजें कर रहे हैं झिंगुर, उन आवाजों को कवि यहाँ पर कह रहा है कि वो क्रिकेट्स सिंग्स झिंगुर गाना गा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रिकेट्स का भी पर्सोनिफिकेशन किया है, मानवीकरण किया है और उनको गाते हुए बतलाया गया है। तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच में पर्सोनिफिकेशन भी दिया गया है और साथ ही साथ में यहाँ पर देखेंगे रिपीटिशन भी हुआ है, जो पीस है ये देखिए दो बार आया है और ड्रॉपिंग दो बार आया है। तो यहाँ पर रिपीटिशन भी जो है फिगर ऑफ स्पीच के रूप में यूज किया गया है और साथ साथ में पर्सोनिफिकेशन का भी यूज किया गया है। आगे देखेंगे, देयर मिड नाइट्स आल ए ग्लिमर एंड नून ए पर्पल ग्लो, वहां की जो आधी रात होगी वो कैसी होगी, आल ए ग्लिमर, टिमटिमाती हुई होगी या हल्की लाइट से भरी हुई होगी। अब यहाँ पर जो है इन्फ्रेंस का भी यूज किया गया, क्योंकि जो पोएट है वो एक अनुमान लगा रहा है कि वो जो चमक होगी वो हो सकता है टिमटिमाते हुए तारे की होगी आधी रात में, या फिर जुगनुओं की भी हो सकती है। तो इस प्रकार से वो अनुमान लगा रहा है, तो यहाँ पर इन्फ्रेंस जो है फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जा रहा है। एंड नून है पर्पल ग्लो, और वहां की जो दोपहर होगी वो पर्पल ग्लो होगी, चमकदार होगी, बैंगनी चमक से भरी हुई होगी, इस तरह का वहां का जो वातावरण का वर्णन कवि कर रहा है। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट विंग्स, और जो शाम होगी वो फुल ऑफ द लिनेट विंग्स, वो लिनेट एक पक्षी का नाम होता है, वो लिनेट विंग्स से भरी होगी, मतलब लिनेट पक्षियों के उड़ान जो उड़ते हैं उस समय, झुंड बना के पक्षी उड़ते हैं, तो उन पक्षियों से वहां का जो आसमान है या वो जगह है वो भरी पड़ी होगी, या वहां के आसमान में वो पक्षी उड़ रहे होंगे। तो यहाँ पर फिर से वो एक बार इमेजरी का यूज कर रहा है, कल्पना कर रहा है कि वो जिस जगह पर अपना केबिन बनाएगा इनिसफ्री में, उस जगह पर लिनेट जो पक्षी है वो भी उड़ान भर रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आगे का जो लास्ट थर्ड स्टेंजा है उसको भी हम देखेंगे। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, मैं उठूंगा या जागूंगा, एंड गो नाउ, और उसके बाद
जाऊंगा तुरंत ही जाऊंगा, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, और हमेशा वहीं रहूंगा, नाइट एंड डे, रात और दिन वहीं जाकर रहूंगा, क्योंकि मैं जो हूं इस भीड़ भाड़ वाली जिंदगी से और इस शोरगुल वाली जिंदगी से और इस चमक धमक वाली शहरी और मॉडर्न लाइफ से मैं परेशान आ गया हूं, तो मैं ऐसी जगह पर जाकर हमेशा के लिए रहना चाहता हूं। ये पोइट का कहने का आशय है। आई हियर लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड बाय द शोर, और वहां पर जाकर मैं क्या सुनूंगा, आई हियर लेक वाटर लैपिंग, मैं वहां पर जाकर पानी का आवाज सुनूंगा, पानी की आवाज सुनूंगा। वो आवाज किससे आ रही होगी, विथ लो साउंड बाय द शोर, किनारों से टकराने के बाद जो हल्की हल्की आवाज आती है पानी की, उस साउंड को कभी वहां पर जाकर सुनना चाहता है। यहां पर ओनोमोटो पोइया जो फिगर स्पीच है इसका यूज किया गया है। आगे देखना है। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जबकि मैं कब सुनूंगा वो आवाज, जो पानी की आवाज है टकराने की, जो आवाज आएगी झील में, वो कब सुनूंगा, जब मैं कहीं रोडवे पर सड़क के रास्ते पर खड़ा होऊंगा, और ऑन द पेवमेंट ग्रे, या फिर फुटपाथ, पेवमेंट होता है फुटपाथ, और ग्रे ने भूरे कलर का या ब्लैक एंड व्हाइट कलर का, जो फुटपाथ गांव में जो कच्चे रास्ते होते हैं उनके लिए ये शब्द यूज किया गया है। तो उस जगह पर जब मैं रोड साइड पर या कहीं फुटपाथ पर खड़ा होऊंगा उस झील के पास, तो मुझे वहां की जो पानी की आवाज है वो मधुर आवाज मुझे किनारों से टकराने वाली सुनाई दे रही होगी। आई हियर इट इन द डीप हर्ट्स कोर, और मैं इन सभी चीजों को सुनूंगा, इन द डीप हर्ट, दिल की गहराई से या हृदय की गहराई से, कोर, कोर है उसके केंद्र से, मतलब ये दिल की जो गहराई का केंद्र बिंदु है, मैं उस जगह से इस इन सब चीजों को देखूंगा और सुनूंगा। तो ये पोयम थी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले नए पोयम पर।